सो देखिए गाइज, इफ़ यू वांट टू वॉच सम फैंटेसी लव स्टोरी एंड आपको गाने डांस सब देखना अच्छा लगता है तो ये गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है सिंड्रेला, जो कि Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हुई थी 3 सितंबर को। तो ये फिल्म जो है कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्या आप जो फैंटेसी स्टोरी पढ़े थे जो सिंड्रेला, उससे कितनी अच्छा मेल खाती है, क्या वो उस बुक को मतलब वो फैंटेसी जो स्टोरी था उसको ये जस्टिस कर पाती है नहीं कर पाती, एंड क्या अच्छा है एंड क्या अच्छा हो सकता था, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस रिव्यू में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल में अगर अपनी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी यही है जैसे कि वही सिंड्रेला जो कि अपने स्टेप मदर के साथ रहती है और 2 स्टेप सिस्टर्स के साथ रहती हैं, जो कि वो ज़्यादा उसको मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करते, वो सारे के सारे जो काम करती है घर के, तो वो वाला ही स्टोरी है। एंड उसके फिर से कैसा एक प्रिंस चार्मिंग आता है, मतलब एक शहजादा एक आता है एंड उसको कैसे मतलब ले जाता है उठा के नहीं, मतलब उसे शादी कर लेता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से मतलब कटती है। तो यही स्टोरी इसी में भी दिखाई गई है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्टोरी जो है मैंने जो बताया स्टोरी, वो फेरी टेल असली सिंड्रेला का था। यहाँ पे क्या क्या ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि यह स्टोरी जो है स्क्रीन प्ले जो है मुझे ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। पहला हाफ जो पहला 1 घंटा वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम लोगों ने पहने, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है एंड यहाँ पर कोरियोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है गाइज यहाँ डांस की, जो कि एक ट्रीट टू वॉच बन जाता है आपके लिए। और एक बात मैं बोल दूँ, यहाँ स्टोरी में मॉडिफिकेशन क्या हुआ है ना यार, कि यहाँ जो सर नॉर्मल टिपिकल जो ओरिजिनल सिंड्रेला स्टोरी थी उसमें दिखाता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा काम करती है, उसके ऊपर बहुत मतलब बुरा जुर्म होता है, उसकी जो स्टेप मदर है वो बहुत ज़्यादा जुर्म करती है, उसके स्टेप सिस्टर भी इतना जुर्म करती है एंड वो कुछ इतना टाइम मिल नहीं पाता है उसे अपने इसके मतलब क्या हो सकता है स्किन के लिए, नहीं तो अपने खुद के लिए। वो दिन भर सिर्फ काम में रहती है और एक दिन क्या होता है उसका बॉल पार्टी पे हो जाती है, उसके बाद वो प्रिंस से मिलती है, उसके बाद वो उसका जो सैंडल वहाँ पे छूट जाता है एंड फिर से उस प्रिंस उसे ढूंढता है, मतलब उसका जिसका पाँव उसमें फिट होता है वो फिर से उससे शादी कर लेता है। यही वाली स्टोरी है। लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया है पता है आपको, यहाँ दिखाया गया है कि जो सिंड्रेला है मतलब पहली नज़र में सिंड्रेला को देख के ही मतलब जो राजकुमार था वो प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद जो है वो बॉल पार्टी में जाती तो है, उससे मिलती है, लेकिन क्या होता है ना ये जो लड़का मतलब जो प्रिंस था उसे वो रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि शी इज़ वेरी एम्बिशियस, शी वांट्स टू मतलब वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है ड्रेसेस और वो एक बेसमेंट पे रहती है, वहाँ पे वो जो स्टिच करती है गाउन्स जो है इवनिंग गाउन्स, नहीं तो इवन बॉल पार्टी में जैसे जाते हैं गाउन, वो सब कुछ डिज़ाइन करती है ये। जबकि हम लोगों ने स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं सुना था कि भाई वो कोई गाउन डिज़ाइन कर रही है या कुछ ऐसे टाइप का क्रिएटिव वर्क करती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई शी वॉन्ट्स टू मतलब वो आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे किसी से शादी वादी करनी नहीं है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही अच्छा है भाई, मतलब खुद ही इंडिपेंडेंट सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी जो है यहाँ पे थोड़ी कितने लोगों को हजम होगी नहीं, क्योंकि लोग को वही फैंटेसी वो ओरिजिनल वाली स्टोरी देखनी है, तो वो लोग सोचेंगे भाई ये क्यों घुसाया इन्होंने, तो वही वाली स्टोरी मतलब सेम वही वाला थीम लिए कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे कंडीशन में अच्छे मतलब उसके ऊपर बुरा सलूक होता है। लेकिन और एक बात भी, यहाँ स्टोरी जो फिल्म दिखाई इतना भी ज़्यादा बुरा सलूक नहीं होता, जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा काम मतलब इतना ज़्यादा क्रूरता मैंने नहीं देखा, जैसे स्टोरी में सुना था कि भाई स्टेप मदर्स ऐसे का उसको जुर्म करती थी, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं दिखाया उसका जुर्म। हाँ कुछ कुछ मना करती हैं तो वो मना कर, हाँ काम घर के करती, लेकिन इतना ज़्यादा कोई पोछा झाड़ू ऐसा टाइप की कुछ दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे जुर्म थोड़ा कम दिखाया है। एंड फैंटेसी वो बताती है लड़की की बड़ी एम्बिशियस है, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड एंड यहाँ पे स्पॉयलर्स तो मैं नहीं दूंगी। और एक अच्छा एंगल भी दिखाया गया है जो कि आपको देख के अगर आप थोड़ा सा हटके देखना चाहते हो, अगर आप थोड़ा मॉडर्न ख्यालात नहीं तो थोड़े लिबरल ख्यालात के देखना चाहते हो तो आपको ये एंडिंग थोड़ी अच्छी लगेगी, अदरवाइज टिपिकल फैंटेसी नहीं तो सिंड्रेला लवर्स के लिए तो ये डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो कैमिला कैबेलो जो कि यहाँ मेन सेंट्रल कैरेक्टर सिंड्रेला का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उनका काम यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड उनका मतलब स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। शी इज़ प्लेइंग द मतलब ब्रेव यू कैन से बहुत ज़्यादा गट्सी टाइप की लड़की है तो एंड बहुत एम्बिशियस है, तो अच्छा लगा देख के कि भाई सिंड्रेला भी कभी प्रिंस को मतलब रिजेक्ट करके बोलेगी भाई मुझे अपना करियर प्यारा है, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, ना ही तुम्हारे वो जो ऐशो आराम मुझे नहीं चाहिए। वो वाली स्टोरी जो दिखाई गई है, मतलब जो पॉइंट दिखाया गया वो एक्चुअल में मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे निकोलस ग्लिट्ज़मैन का, जो कि यहाँ पे रॉबर्ट प्रिंस का मतलब प्रिंस रॉबर्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो इनका काम भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे इनका काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इनकी एंड सिंड्रेला की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। इनके अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत सारे हैं और उनका काम भी बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ डायरेक्शन की। तो के कैनन का जो डायरेक्शन फर्स्ट हाफ में है वो बहुत अच्छा है, सेकेंड हाफ मतलब लास्ट हाफ एन आवर जो है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा मतलब पता नहीं चला कि डायरेक्टर चाहता क्या दिखाना, तो वही मुझे थोड़ा सा खटका। अदरवाइज फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट वन आवर जो है बहुत अच्छा है वो, और लास्ट हाफ एन आवर जो है मुझे कुछ ज़्यादा डायरेक्शन ठीक मतलब इतना अच्छा नहीं लगा। एंड राइटिंग की बात कर दूँ, मतलब के कैनन ने ही इसे राइट मतलब लिखा है, तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहते थे सिंड्रेला में, लेकिन देखो कि देखते हैं कितने लोगों को ये ट्विस्ट पसंद आता है, क्योंकि बहुत लोग जो है टिपिकल स्टोरी देखना चाहते थे, मतलब सिंड्रेला की जो टिपिकल ओरिजिनल स्टोरी वो देखना चाहते थे। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पर जो ट्विस्ट आ जाता है मे बी लोग को डिसअपॉइंट ना कर जाए। मुझे तो मेरी माने तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा नहीं लगेगा वो तो मतलब पीपल टू पीपल वैरी होता है उनका ओपिनियन, यू नो, सो इसीलिए मुझे यही लगा। अब बात करते हैं हम यहाँ रेटिंग्स की। देखिए गाइज, आई विल रेट इट 3 stars out of 5 stars, क्योंकि इसमें राइटिंग मतलब फर्स्ट हाफ की जो मुझे मैंने बोला कि थोड़ा सा डगमगा गई है वो थोड़ा सा अच्छा मतलब लोगों को पसंद नहीं आ सकता है, थोड़ा सा चेंजेस जो है मॉडिफिकेशन हुआ है। यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी, सॉन्ग्स एंड यहाँ कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स बहुत ही अच्छा है गाइस, इसीलिए मैं इसे 3 स्टार देती हूँ। एक्टर्स के काम भी अच्छे हैं, इसीलिए 3 स्टार देती हूँ। सो देखिए गाइस, इफ़ यू वांट टू वॉच सम फैंटेसी लव स्टोरी एंड आपको गाने डांसेस देखना अच्छा लगता है तो आप इसे देख सकते हो, एंड बच्चों के साथ भी बैठ के देख सकते हो या मम्मी पापा के साथ भी बैठ के देख सकते हो। हाँ, एक किस है, लेकिन चॉइस इज़ योर्स। तो कैसी लगी आपकी रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।